क्या नाम है आपका? मैं शुक्रम सिंह, राष्ट्रीय महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आए? आप सरकार को जगाने के लिए बैठे, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया था कि 15 अक्टूबर से सभी मेले चल जाएंगे। सरकार ये झूठी घोषणाओं के सहारे देश को, जनता को, किसानों को, मजदूरों को, सैनिकों को, सबको गुमराह करके टाइम पास कर रही है। हम किसानों की तरफ से लड़ने आए हैं। किसान और राष्ट्रीय लोकदल एक है। हम सब मिल करके जो किसान गन्ना के पैसे से बड़े बड़े मालिक बन गए हैं और सब्सिडी सरकार किसानों के पैसे की उनको दे रही है, इसके बारे में हम कहने आए हैं कि जितना भी ब्याज सहित भुगतान बाकी है ये तत्काल कर दे सरकार, नंबर एक बात। नंबर दो चीज़, 15 दिन के अंदर अगर मिल चलने की कार्रवाई नहीं हो जाती है, मिले नहीं चलती है, तो एक महीने बाद मजबूर होकर के हम मिलों पर कब्जा शुरू कर देंगे, वरना सरकार नोटिस दे करके इन मिलों का अधिग्रहण कर ले, जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने नोटिस दिया था और सब 2 मिनट में राइट टाइम हो गए थे। अगर ये सबके सब आ करके और मिले नहीं चालू करवा सकते हैं, तो जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी ने अधिग्रहण किया था, या तो सरकार अधिग्रहण कर ले, नहीं तो सब किसान कब्जा कर लेंगे। क्योंकि जितनी भी रिफ्रेशमेंट है, सीरा है, अल्कोहल जितनी बनती है, ये सब किसानों के पैसे की देन है और सब माला माल हो रहे हैं और लूट रहे हैं। इसलिए अभी आज की तारीख में गन्ना आयुक्त जी अभी तो ईमानदार की श्रेणी माने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये मिल मालिकों को साथ देने जाएंगे तो सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में इनका भी नाम आएगा।